वृंदावन बिहारी लाल की। माते बगल में कौन खड़ी है? पत्नी सती। अब जब महात्मा जी ने प्रणाम किया तो सती ने मन में सोचा, अरे राम 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 राम, ये तो पहले से हमको प्रणाम कर रहे हैं। हमें अगर प्रणाम कर रहा है यानी कि हम बड़े हैं। बस समझ में आ रही है? सती के मन में अभिमान आया है। किस चीज का अभिमान? बोले क्यों नहीं प्रणाम करेंगे, करना भी तो पड़ेगा। मायके में हम कौन हैं? दक्ष की बेटी है। दक्ष कौन? प्रजापति है। यानी कि मायके में हम राजा की बेटी हैं और ससुराल में महादेव की पत्नी है। यानी कि मायके में भी पद बड़ा है और ससुराल में भी पद बड़ा है, तो प्रणाम तो बनता ही है। जितनी मेरी माता कथा में आई हैं, पीछे तक जो बैठी हैं माता, मान लीजिए आपका ब्याह डॉक्टर से हुआ तो पूरे कुलवारा आपको क्या कहेंगे? ए हो डॉक्टर आई। अच्छा, अगर आपके ब्याह मास्टर साहब से हुआ तो क्या बोलेंगे आपको? ए मास्टर आई। भले ही आपको काखा गगा नहीं आता है, लेकिन पूरा गांव आपको क्या कहेगा? मास्टर आई। पूरा गांव आपको क्या कहेगा? डॉक्टर आई। दिल पे हाथ रख के बताओ, ये सम्मान तुम्हारा है कि तुम्हारा पति का? बोलो, पति का है। क्योंकि पूरा गांव तुम्हें डॉक्टर आई इसलिए कह रहा है क्योंकि तुम्हारा ब्याह डॉक्टर से हुआ। सम्मान आपका नहीं है माता, आपका पति का है, क्योंकि वो पढ़ लिख करके डॉक्टर हो रहे हैं। बस समझ में आ रहा है? सती भूल गई। सम्मान महादेव का हो रहा था, लेकिन सती ने क्या सोचा? ये सम्मान हमारा है। कथा में बैठ गए, अभिमान लेकर के। आश्चर्य तो तब हुआ, कब? उस दिन कुंभज ऋषि कथा में सुना रहे थे। सुनो, जैसे ही भगवान लौट करके आए तो कुटिया एकदम खाली पड़ी, सीता जी नहीं दिख रही, सीता हरण हो चुका है। अब कुटिया में सीता को ना देख करके भगवान राम रोने लगे। और आप जितनी कथा बैठे बताइए, भगवान को रोते देखेंगे तो लक्ष्मण जी का मन लगेगा? अपने भैया को रोते देखा तो लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। बार बार लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके भगवान राम बोले, भैया लक्ष्मण, हमारी पत्नी किस हाल में होगी? ये घनघोर जंगल है, यहां बड़े बड़े दुष्ट राक्षस रहते हैं, हिंसक जानवर रहते हैं। ध्यान देना कथा, पता क्या हुआ? अब जब राम जी को रोते देखा, लक्ष्मण जी को रोते देखा, और बोलते बोलते महात्मा कुंभज ऋषि भी रोने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा सुनते सुनते माते जितने लोग बैठे थे सब रोने लगे। सती ने मन में सोचा, हे भगवान, ये कौन सी कथा चल रही है? क्यों? शंकर जी से पूछ रही है, कथा है? हमको तो नहीं लगता राम भगवान है। क्यों? अगर सच में राम भगवान है तो इनको पता नहीं है इनकी पत्नी कहाँ है। अरे राम जी को छोड़ो, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने लग जाओगे तो भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले लोग आज भी बैठे हैं। दादा ऐसे ऐसे विद्वान लोग बैठे हैं, आपको भविष्य बता देंगे, भूत बता देंगे, वर्तमान बता देंगे, तो भगवान तो बहुत ऊपर है।
अगर सच में ये भगवान हैं, तो इनको तो तुरंत पता लगा लेना चाहिए था, आंख बंद करके मेरी पत्नी कहाँ है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो कोई गांव का आदमी जैसा रो रहे हैं। शंकर जी मुस्कुरा करके बोले, देवी फंस गई ना तू, क्या ये ठाकुर जी की लीला है भैया? लीला मतलब नाटक, नाटक समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेरी बेटियां कथा में आई हैं, बेटी लोगों से बात पूछो, टीवी में सीरियल आता है, आता है, सिनेमा आता है, आता है, तो उसमें जो हीरो होता है, बाप रे भैया, दस दस गोली लग लग फिर भी जिंदा है, गाड़ी इतनी बार पलटी खा गई, बस यहां एक छोटा सा घा, संभव है ऐसा? संभव तो नहीं। अगर हम प्रश्न करेंगे तो फिर तुम सिनेमा मत देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, क्योंकि आदमी सिनेमा या सीरियल क्यों देखता है? मनोरंजन के लिए देखता है, वो सीरियल है, वो नाटक। देवी भगवान नाटक कर रहे हैं, ठीक ठीक पूरी कथा निकल गई दादा, लौट करके जा रहे थे कैलाश, नतीजा क्या हुआ? शंकर जी और सती महारानी दोनों जा रहे थे कैलाश पर्वत को, वही राम वही लक्ष्मण दोबारा सामने आ गए। सती ने पूछा, रुकी क्या हुआ, ये कौन है, ये कौन है? शंकर जी ने कहा, देवी ये वही राम है। अच्छा तो ये रो क्यों रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं? देवी सीता हरण हुआ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा माता जी, जितने लोग आप कथा में बैठे हैं, ये बताइए आपको आंखों से देखी बात पर यकीन ज्यादा होगा कि कानों से सुनी हुई बात? बोलो, कोई चीज कानों से हम सुनते हैं, कोई चीज आंख से देखते हैं, हमें भरोसा किस पे ज्यादा है, कान पे कि आंख पे? आंख पे, क्यों? आंख झूठ नहीं बोलता, सुनी हुई बात झूठ हो सकती है। जितने मेरे पुरुष वर्ग बैठे दादा, महारानी सती ने कुंभद्र ऋषि के मुंह से कथा सुना कि रावण मर चुका है, राम का राजाभिषेक हो चुका है, और लीला के फिर सामने आ गई। सती ने पूछा, शंकर जी एक बात पूछे, रो क्यों रहे? तो बोले, सीता हरण हुआ, फिर से चोरी हो गई, इस बार किसने चुराया? शंकर जी ने कहा, देवी फिर से चोरी नहीं हुई, फिर रावण चुराया। सती ने कहा, तो मर गया ना, तो कथा में तो पंडित जी बता रहे थे ना, रावण मर चुका है, राजाभिषेक हो चुका है, तो क्या फिर से सब जिंदा हो गए? शंकर जी ने कहा, देवी मैंने तब भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूं, वो भी लीला थी, ये भी लीला है। नहीं ठीक है, लीला है, लेकिन शंकर जी ने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या? तुम सुनती नहीं हो किसी की। सती, हरि अनंत हरि कथा अनंत। एक बात पूछे, आज भी वृंदावन पे जाइए, ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं वृंदावन में जिन्होंने भगवान को गाय चराते हुए देखा। आज भी चित्रकूट में ऐसे महात्मा बैठे हैं दादा जिन्होंने भगवान को तापसी वेश में देखा है, साधना के बल पर। भगवान कहीं गए नहीं, भगवान नित्य हैं, तो भगवान की लीला भी नित्य है। ध्यान से सुन, देवी लीला है, हरि अनंत है, उसकी लीला भी अनंत है, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी प्रकट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? बोले, देवी बस हम प्रणाम कर सकते हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, तुम भी प्रणाम करो। सती ने कहा, हम कैसे प्रणाम करेंगे, क्यों? हम तो परीक्षा लेंगे। शंकर जी ने कहा, तो जाओ परीक्षा लो।
ये सही में भगवान है कि और कोई? महारानी सती परीक्षा लेने के लिए जा रही है और परीक्षा लेने के लिए सती ने उपाय क्या किया? पुनि पुनि हृदय विचार करी धरिसी ताकर रूप आगे हो ये चल पंत तेहि जेहि आवत नर भूप। सती महारानी ने मन में सोचा कि इनकी पत्नी चोरी हो गई है तो मैं खुद सीता का भेष बनाऊंगी और सीता का भेष बना करके राम जी के आगे आगे घूमूंगी। तो अगर ओरिजिनल होंगे तब तो जान जाएंगे कि सीता नहीं है और डुप्लीकेट होंगे तो बोले दौड़ करके आकर के बोलेंगे हाँ हमारे पति मिल पत्नी मिल गई सीता मिल गई सीता मिल गई भूल गई क्या माते भेष तो सती ने सीता का बनाया सकल सूरत सब बनाया किसका सीता का लेकिन दादा सीता कैसे चलती हैं व्यवहार कैसा है वो तो पता नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल एक बात पूछो भैया लोगों से भैया अगर कोई पुलिस की वर्दी पहनने से पुलिस हो जाएगा? अरे बोलो कोई फौजी का कपड़ा पहन ले तो फौजी हो जाएगा? अरे भेष अलग है वो ट्रेनिंग लेके आया है। कोई फौजी अगर वर्दी पहनता है तो ट्रेनिंग करके आया उसको पता है कैसे उठना है कैसे चलना है कैसे घूमना है। वो हमने एक दिन सुबह उठकर के वर्दी पहन ली तो हमें तो पता ही नहीं। भेष बनाना अलग है आचरण कहां से आएगा? और आप जितनी मेरी माताएं लोग कथा में बैठी माते सती भूल गई क्या भूल गई? सीता जी कभी भी राम जी के आगे चलती ही नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल एक बात पूछो सती छोड़ो सीता छोड़ो ये तो ऊंचे लोग हैं हम सब कोलवारा में कथा में बैठे हैं। कोलवारा की कितनी माताएं हैं जो अपने पति के आगे आगे चलती हैं? भैया हमने तो कभी नहीं देखा। आपने देखा है कभी कि मर्द आगे आगे पत्नी पीछे पीछे? ये तो ठीक है। कभी आपने ऐसा देखा है क्या? पत्नी आगे आगे चल रही है और पत्नी पीछे पीछे आ रही और पत्नी बोले जल्दी चलो चलो जल्दी। हमने तो कभी नहीं देखा है कि पत्नी आगे आगे चल रही है और बेचारा पति गठरी मठरी लेके पीछे पीछे भाग रहा। हाँ, भैया शहर में पढ़े लिखे लोग हैं तो साथ में चल सकते हैं। पत्नी साथ में चल सकती है दोनों बराबर चल सकते हैं लेकिन भारत में आज भी माते गांव हो चाहे शहर हो पत्नी एक कदम पीछे चलती है पति से एक कदम पीछे चलती है पत्नी। और सीता जी तो भैया कभी भी नहीं चली आ गए। कितना संस्कार है हमारे सीता जी। माते सीता जी पीछे तो चलती ही चलती थी लेकिन सीता जी जब राम जी के पीछे चलती थी तो एक चीज का बड़ा ध्यान रखती थी। क्या ध्यान रखती थी? पीछे चलते हुए सीता जी इस चीज का ध्यान हमेशा रखती थी हमारा पैर राम जी के चरण चिन्ह पर न पड़े। जब भगवान मिट्टी में चलते थे तो भगवान का पैर का चिन्ह निशान जमीन पर होता था तो सीता जी उसको बचा के चलती थी उनके पैर में हमारे पैर न पड़ जाए। कितनी मर्यादा है कितना शिष्टाचार। नतीजा क्या हुआ? सती सीता का भेष बना करके राम जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। राम जी रो रहे थे हाय हमारी पत्नी खो गई हाय हमारी पत्नी खो गई। माते सीता का भेष बना के सती को देख करके राम जी ने रोना बंद कर दिया ठहाका मार के हंसने लगे। बोलना चाहिए था सीते
राम जी को बोलना चाहिए था सती को देख करके सीते, लेकिन राम जी क्या कह रहे हैं, आओ माते। क्या संस्कार, राम जी सीता का वेश बनाया, सती को देख करके कह रही है माते आओ 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 स्वागत है, और हमें पता है क्या आप हमारी परीक्षा लेने आए हैं। हे भगवान, सती को मन में लगा कि चिल्लू भर पानी मिले तो हम डूब जाए, यानी कि ये अंतर्यामी है। राम जी खुद कह रहे माते हमें पता है तुम हमारी परीक्षा लेने आई हो। और एक चीज माते और बताओ, क्या हमें ये भी पता है क्या, भोला बाबा यहीं कहीं छुप के भी बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल पर हाथ रख करके कहा गई काम से। हमें ये भी पता है तुम अकेली नहीं हो, भोला बाबा भी। माते एक बात पूछूं, सती ने कहा बोलिए। अब क्या इज्जत रहे बेचारी ढोंढ ढोंढ के आई थी, राम जी ने तो एक मिनट में पोल पट्टी खोल दी। राम जी ने कहा सती से माते ये तो बोलो क्या हम परीक्षा में पास की फेल, आप अध्यापिका हैं हम आपके विद्यार्थी हैं। भैया परीक्षा कौन लेता है, मास्टर। परीक्षा देता कौन है, विद्यार्थी। आप हमारी परीक्षा लेने आए हैं, यानी कि आप क्या हैं, अध्यापिका हैं, और हम क्या हैं, आपके विद्यार्थी हैं। तो मार्क तो दे दो हम पास की फेल। हे भगवान, सती भागी वहां से, लाज बचा के भागी। जैसे ही लौट के आई, देवादिदेव महादेव ने पूछा, परीक्षा ली, परीक्षा लिया, क्या हुआ, हमें सब सत्य बता। भैया जितने लोग पीछे तक बैठे हैं, सती को बोलना चाहिए था, हाँ शंकर जी हमने परीक्षा लिया, आपके राम जी पास हुए और हम फेल हुए। सती ने क्या कहा याद है, सती अपने पति से झूठ बोल रही है, कच्चो न परीक्षा लेने को साईं, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, क्या जरूरत है झूठ बोलने की। भैया सीधे सीधे बोल देते, शंकर जी राम जी जीते हम हार गए, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन सती ने झूठ बोला। एक बात बताऊं माते, यद्यपि झूठ बोलना पाप है, हम सब शंकर जी के प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, मैंने इसलिए इस कथा को उठाया। कुलवारा में देवादिदेव महादेव का ये दिव्य प्रांगण में हम सब बैठ के कथा सुन रहे हैं। यद्यपि झूठ बोलना निंदनीय है, अपराध है, लेकिन तीन जगह अगर आपने झूठ बोला तो आपको भगवान भी नहीं बचाएंगे, माफी नहीं मिलेगी। तीन जगह कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहां कहां, सबसे पहला है गंगा के तट पर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, गंगा जी बह रही हो, गंगा जी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों क्यों पता है आपको, गंगा जी सबको तारती है, गंगा जी हमारी बड़ी करीब बह रही है, कुलवारों के लिए, कुलवारा के लोगों के लिए गंगा जी कोई नई नहीं है, हम गंगा के तट पर ही बसे हैं। क्या गंगा जी ने कभी आपसे पूछा तुम्हारी बिरादरी क्या है, अरे बोलो। कभी गंगा जी ने पूछा कि तुम कितना पाप किए हो, कभी नहीं पूछी। तुम कौन हो, क्या करते हो, कितना पापी हो, गंगा जी ने कभी पूछा नहीं। जो आया उसको तार देती है, इतनी दया है गंगा जी की, सोचिए। तो ऐसे गंगा के सामने झूठ हम क्यों बोले, नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, सालिग्राम के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, सालिग्राम। और तीसरा, भीतर बैठे हैं
जिनके दरवाजे पर लिखा रहा है सत्यम शिवम सुंदर। सबसे ऊपर क्या लिखा है? सत्यम। शंकर जी को सबसे प्रिय है। और शंकर जी की विशेषता क्या है? शंकर जी के सामने चाहे आदमी जाए, चाहे भूत जाए, चाहे सांप जाए, चाहे बिच्छू जाए, चाहे देवता जाए, चाहे दैत्य जाए, चाहे लंगड़ा जाए, चाहे लूला जाए, चाहे पानी लेके जाओ, चाहे धतूरा लेके जाओ, चाहे सोना लेके जाओ, चाहे कुछ लेके ना जाओ, चाहे घंटी चुरा के ले जाओ, तो भी शंकर जी कहते वाह हम खुश हो गए। हाँ सुने होंगे आप लोग, दादा एक दिन रात को चोर घुस गया मंदिर में। मन में सोचा कुछ तो मिलेगा। अब शंकर जी के मंदिर में क्या मिलेगा? कुछ नहीं था। उसने देखा शंकर जी के ठीक ऊपर बड़ा बड़ा घंटा टंगा था। उसने सोचा चलो कुछ तो खा लेंगे इसको बेच के खाली हाथ से। ठीक अब इतना ऊपर था तो न स्टूल मिला ना कुर्सी, तो चोर ने क्या किया? शंकर जी के ही ऊपर पैर रख करके घंटा खोलने लगा। इतने में शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी प्रकट हो गए तो चोर थर थर कांपने लगा। शंकर जी ने पूछा तुम कांप क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं हम अरे नहीं नहीं कांपो मत, फिर हम खुश हैं। क्यों? बोले कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल पत्ती चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, तू पहला भक्त अपने आप को हम पर चढ़ा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, इतने दया है। ध्यान देना कथा। तो ऐसे शंकर जी के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते। शंकर जी को पता है। शंकर जी ने आंख बंद करके सारी लीला देखी। नतीजा क्या हुआ? शंकर जी ने मन में सोचा दुनिया हमसे झूठ नहीं बोलती और मेरी पत्नी खुद मुझसे झूठ बोल रही है। पता है दादा क्या हुआ? बस 5 मिनट जल्दी जल्दी मैं आपको कथा को आगे लेके चलूं। कैलाश लौट करके शंकर जी आए। शंकर जी ने उसके बाद महारानी सती को वाम भाग में नहीं बैठाया, सन्मुख बैठाया, सामने पत्नी बगल में बैठी है। लेकिन शंकर जी ने सोचा इसने हमसे झूठ बोला है, इसने हमारी माँ यानी कि सीता का भेष बनाया है, राम जी की परीक्षा लिया है। ध्यान देना कथा में अखंड समाधि में शंकर जी चले गए। जैसे ही शंकर जी की समाधि टूटी, आहा सामने बैठी सती को देख करके शंकर जी बड़े दुखी हो गए। क्यों? माते पता है सती दुबली हो गई, क्योंकि बार बार सती के दिल में ये प्रश्न उठता था, हमने पति के साथ छल किया है, हमने अपने पति से झूठ बोला है। वो सती को बड़ा दुखी कर रहा था बार बार। शंकर जी ने सीधे सीधे कथा प्रारंभ किया। कथा क्यों? शंकर जी जानते हैं यद्यपि सती ने बहुत बड़ा पाप किया है, राम जी की परीक्षा लिया है, सीता का भेष बनाई है, हमसे झूठ बोली है। ध्यान देना कथा में। लेकिन भगवान की कथा सुनने के बाद कोई पाप बचता नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं भैया दुनिया का सबसे बड़ा पाप आपके सिर पर है। अगर भगवान की कथा सुनने के बाद वो पाप आपके सिर पर रहे संभव नहीं है, खत्म हो जाता है। शंकर जी ने सोचा अगर ये कथा को दोबारा सुन लेगी तो हम इसके पाप को क्षमा कर देंगे, अपराध को क्षमा कर देंगे, वापस वाम भाग में बैठा लेंगे, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा सती के भाग्य में कथा नहीं है। क्यों? जैसे ही शंकर जी ने कथा प्रारंभ की दोबारा तो जहाज जाने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सती ने मन में सोचा ये जहाज कहां से जा रहा है? शंकर जी से कहा बाबा हाँ, ये कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारा ध्यान कहां है? कथा में कि विमान में? अरे कथा में ध्यान दो। सती ने कहा ठीक है सुनाइए। और जैसे ही शंकर जी ने दोबारा कथा प्रारंभ की अब तो एक साथ में चार चार विमान जा रहे हैं। अच्छा चार में बैठी कौन है? बोले सती की सब बहन लोग दीदी लोग बैठी हैं, विद फैमिली।
अब सचिन ने कहा महादेव रुको 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 क्या, अरे ये तो सब हमारी दीदी लोग जा रही है, जीजा सब जा रहे हैं, ये सब कहां जा रहे थे सर, धज करके तैयार हो करके। शंकर जी ने कहा देवी ये बताओ तुम्हारा ध्यान कहां है, कथा में कि व्यथा में? एक एक शब्द सुनिएगा। सती कह रही है महादेव आपको कहीं जाना है? नहीं। हमको कहीं जाना है? नहीं। तो कथा 5 मिनट बाद भी तो हो सकता है, बस समझ में आ रही है आपको कहीं जाना तो है, बिजी तो नहीं है ना, हम भी बिजी नहीं है तो अरे 5 मिनट बाद कथा शुरू होगी, लेकिन ये लोग तो सब भाग रहे हैं, ये बताओ ये कहां जा रहे हैं। शंकर जी समझ गए इसका मन व्यथा में ज्यादा है, कथा में कम है। शंकर जी ने कहा ये सब तुम्हारे मायके जा रहे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल मेरे मायका में क्यों? शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा देवी न्योता आया, ये सब न्योता में जा रहे हैं, इनको सब कार्ड मिला है, तुम्हें कार्ड आया? सती बोली क्या बात करते हैं आप, क्या हमें अपने घर जाने के लिए न्योता की जरूरत है? शंकर जी कह रहे हैं अपना घर छोड़ो देवी, चार जगह बिना न्योता के जाना चाहिए। शंकर जी से सुनो कहां कहां जाना चाहिए बिना न्योता के? चार जगह। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे तदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे जाइए बिनु बोले ना संदेहा, जाइए बिनु बोले ना संदेहा, जाइए बिनु बोले ना संदेहा, जाइए बिनु बोले ना संदेहा। तदपि विरोध मान जहां को तदपि विरोध मान जहां को, तदपि विरोध मान जहां को, तहां गए कल्याण ना हो, तहां गए कल्याण ना हो, तहां गए कल्याण ना हो, तहां गए कल्याण ना हो। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे हा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे हा, गुरु गे पितु गुरु गे गुरु गे पितु गुरु गे। शंकर जी कह रहे हैं देवी चार जगह बिना न्योता के जाना चाहिए, कहां कहां? देवादिदेव महादेव कह रहे हैं एक नंबर पर मित्र। दादा आपको आपके मित्र के घर जाने के लिए न्योता की जरूरत नहीं है, कभी भी जा सकते हैं, बुलावे तो ना बुलावे प्रभु, प्रभु माने भगवान का मंदिर। अब शंकर जी न्योता तो देंगे नहीं तुम्हें यहां करके, शिवरात्रि है आओ, अरे पागल दुनिया जाती है तो तुम भी जाओ, भगवान के मंदिर में हम कभी भी जा सकते, न्योता हो चाहे ना।
पितु अपने गुरु गुरु स्थान। लेकिन देवी ये चार जगह पहले से विरोध है, वहां जाना नहीं चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण ना। सती पूछ रही है तो आपको हमारे पिताजी से विरोध है क्या? क्या हुआ हमारे पिता के आपसे विरोध? शंकर जी ने कहा देवी छोड़ो पुरानी बातें हैं। नहीं नहीं बताओ। अरे शंकर जी ने कहा देवी छोड़ो। नहीं कैसे छोड़े बताओ। शंकर जी को आश्चर्य हुआ। किस चीज का आश्चर्य? देखो इसका मन दुनिया की बातों में कितना लगता है। इसका आधा मन कथा में लग जाता तो सुधर गई होती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारा पिता दक्ष उनको प्रजापति बनाया। प्रजापति माने राजा। दो मिनट ध्यान से सुनिए। तो जब महाराज दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो उनके सम्मान में एक समारोह रखा। मंच लगा था देवी। मंच पर तीन लोग बैठे थे, बाकी सब नीचे बैठे थे। मंच पर कौन कौन थे? तो शंकर जी कह रहे हैं एक नंबर पर ब्रह्मा था, दूसरे नंबर पर नारायण।